मुख्यालय पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्यवाही के विरोध में एकजुट हुए थे कांग्रेसी। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में कानपुर देहात के जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष नरेश कटियार की अगुवाई में पहुंचे। यहां इनके द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। साथ ही पत्रकारों पर की गई कार्यवाही की निंदा करते हुए पत्रकारों को रिहा कराए जाने की मांग राष्ट्रपति से की गई है। राजा जी, आज आप लोगों ने क्यों ज्ञापन दिया, क्या वजह थी? आज जो ज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा महामहिम राष्ट्रपति जी को, उसकी वजह यह है जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो देश की लड़ाई सच्चाई जो दिखाता है, सारी चीज़ें आज उसी के ऊपर हमला हो रहा है। इसकी तो सबसे पहले कांग्रेस हो निंदा करती है कि जो हमारा स्तंभ है, जो पूरे देश को सच्चाई से अवगत कराता है और गलतियों को उजागर करता है, उसी पर जो ईडी द्वारा भारत सरकार के लोग जो हमारे पत्रकार बंधुओं को हरेसमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, तो मैं मांग करता हूं भारत सरकार से सबसे पहले उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये भारत के वो स्तंभ हैं, इनके बगैर देश नहीं चल सकता है। अगर इनके साथ अगर अत्याचार होगा तो कैसे देश चलेगा, ये मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। जो ईडी द्वारा सीबीआई द्वारा जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है, जिसकी घोर निंदा कांग्रेस कमेटी कानपुर देहात, जनपद कानपुर देहात करता है। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, कृष्णनगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग आईवीएफ सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णनगर, मथुरा।